इस्तीफे का मजमून तैयार था, सभी विधायकों को बस अपना नाम भरना था। तय प्लान के मुताबिक 85 विधायकों ने इस मजमून में अपना नाम लिखा और विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मझधार में फंस गई। अध्यक्ष के लिए लाइजिंग डिसलाइजिंग बिल्कुल नहीं होती, ना होनी चाहिए। विधायक दल के आगे वाले कोई करे अध्यक्ष के साथ, तो उसकी मर्जी है। कुछ लगता है कम से कम अध्यक्ष खुद नहीं करे, आगे वाला उसके साथ नहीं करता तो क्या कर सकता। वैसे दिल्ली से आदेश था कि मामले को रातों रात खत्म किया जाए, अगले दिन का इंतजार ना हो, लेकिन ये हो ना सका। बात विधायकों की उसी मांग पर अटक गई कि सीएम पद के चुनाव में गहलोत की पसंद को ही प्राथमिकता दी जाए। अपनी इसी मांग को लेकर बीती रात 85 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। सीपी जोशी के घर से विधायक निकल रहे हैं, ये सीएम हाउस नहीं जाएंगे। ये विधायक जो है एक एक करके सब यहाँ से निकल रहे हैं और देखा जा सकता है कि ये मंत्रियों का एक काफिला है जो यहाँ से निकल रहा है और अपने अपने घर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री निवास नहीं जाएंगे, जब उनको मिलना होगा, बुलाना होगा तो हम बुला लेंगे। जयपुर में जिस वक्त ये हलचल जारी थी, उस वक्त कांग्रेस पर्यवेक्षक के रूप में मल्लिका अर्जुन खड़गे और अजय माकन भी उसी शहर में थे। कोशिश थी कि संकट का समाधान निकाला जाए। रविवार को पर्यवेक्षकों को कांग्रेस हाईकमान ने सख्त संदेश दिया कि चाहे सारी रात बैठना पड़े, लेकिन आज रात को ही मामला सुलझाया जाए। एक लाइन का जो भी प्रस्ताव पास करना है वो करें। पार्टी के दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों को हर एक विधायक से बात करनी थी, सभी की राय जाननी थी और एक नतीजे पर पहुंचना था, लेकिन वो हो ना सका। विधायक दल की बैठक हो ही नहीं पाई, सीएम आवास पर भी बैठक नहीं हुई। दिल्ली से केसी वेणुगोपाल भी गहलोत के संपर्क में थे, लेकिन देर रात तक नतीजा नहीं निकला। गहलोत के समर्थक विधायकों ने अपना तेवर जरूर दिखा दिया। ये कांग्रेस का लोकतंत्र है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जब भी आह्वान करेंगे आंदोलन के लिए, सड़कों पर संघर्ष के लिए, हम अपनी जान दे देंगे और किसी भी कीमत पर। जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत होगी तब हम अपनी जान दे देंगे। गरीबी महंगाई जबरदस्त है देश में, बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है, बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है और सरकार आपको लग रहा है कि सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिर सकती, इतना दम है हमारे में। जो इस्तीफा दे रहे हैं और जो नाराजगी है, नाराजगी दूर हमारे परिवार के मुखिया संभालेंगे, करेंगे, सुनेंगे बात। गहलोत के हिमायती विधायक सचिन पायलट को कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। उनकी दलील है कि जून 2020 में उन्होंने 19 विधायकों के साथ बगावत किया और गहलोत सरकार के सामने संकट खड़ा किया, लिहाजा अब वो पायलट को बतौर मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। जो अथराई दादी उनसे पूछो, हमने जो अपनी बात करी थी कह दी, हाईकमान तक कर दी है। हाईकमान पर पूरा विश्वास है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे गहलोत के करीबियों की जिद को लेकर अब तक पायलट खामोश हैं। उन्होंने ताजा संकट पर कुछ नहीं कहा है। अब हर किसी को इंतजार है कि आखिर पायलट अब कौन सा दांव चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।